खबर इंदौर से है, जहां एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पत्नी अपने पिता से फोन पर कहा, पापा जल्दी आ जाओ। पिता मिलने पहुंचे उससे पहले ही मौत की खबर आ गई। अब मौत का यह मामला आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा हुआ है। शनिवार शाम पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाया और सब परिवार को सौंप दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पिता ने ससुराल वालों पर 5 लाख रुपए के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। रिंजलाय के रहने वाले पिता श्रीराम के मुताबिक उनकी बेटी टीना गौड़ उम्र 25 वर्ष शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे कॉल किया था। उसने ससुराल वालों के साथ झगड़ा और मारपीट होने की बात कही थी। कहा था, पापा जल्दी आ जाओ, ये लोग मेरे साथ विवाद कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले चलो। पिता के पहुँचने से पहले ही रात 12 बजे उसकी मौत की खबर आ गई। परिवार ने सास और देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। श्रीराम ने पुलिस को बताया कि टीना ने कहा था, सास संतोषी और देवर विजय मारपीट कर रहे हैं, मैंने कहा था कि दामाद अजय से बात करूंगा और मिलने आऊंगा। इसके बाद दोपहर में दामाद अजय को कॉल किया था। अजय ने कहा कि वह अभी ट्रांसपोर्ट पर है, शाम को घर पहुंचकर बात करा देगा। लेकिन रात को टीना कमरे में बेसुध मिली थी, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। सिप्रा पुलिस के मुताबिक टीना की सास संतोषी और देवर उससे पिता श्रीराम से 5 लाख रुपए लाने की मांग करते रहते थे। इसके लिए उसके साथ पहले भी मारपीट हुई थी। श्रीराम ने बताया कि सास और देवर ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हुई है। टीना के हाथ पैर पर भी चोट के निशान है। इस मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर पूरा मामला जांच में लिया है। पुलिस के मुताबिक टीना की रात में तबीयत बिगड़ी तो उसे देवास रोड पर सेठी अस्पताल ले गए हैं। यहां हालत गंभीर होने पर उसे भंडारी अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे रात 12 बजे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रिंजलाय में टीना के माता पिता को जानकारी दी गई।